रेवाड़ी बस स्टैंड परिसर में निजीकरण के विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार यदि जल्द ही रोडवेज में निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो 10 सितंबर की मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मचारी बड़े आंदोलन का फैसला ले सकते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का फैसला लिया है, लेकिन इन्हें भी पूंजीपति ठेकेदारों के हाथों में सौंपने जा रही है, जो कि उचित नहीं है। ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और पब्लिक भी रोडवेज से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बसों का संचालन निजी हाथों में ना देकर सरकारी हाथों में होना चाहिए। सही नहीं चलेगी वाली सरकार, परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम, आज मैं प्रवीण यादव, सदस्य सांझा मोर्चा रेवाड़ी डिपो। आज का प्रदर्शन सरकार द्वारा रोडवेज में 550 जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही उनको भी सरकारी बसें न लाकर प्राइवेट पूंजीपति आदमियों के हाथ में सौंप रही थी। वो किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ला रही है, जिसमें बेरोजगारों को ना ही रोजगार मिलेगा, ना ही जनता को बेहतर कोई सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार इनको प्राइवेट पॉलिसी या किलोमीटर स्कीम के तहत न लाकर सरकारी बसें शामिल करें, जिसके जनता को बेरोजगारों को रोजगार मिले और जनता को बेहतर सुविधा प्रदान हो। मैं छवि कुमार, हरियाणा सांझा मोर्चा सदस्य। आज हमारा 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो 550 इलेक्ट्रिक बसें जो ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, जबकि आने वाली हरियाणा सरकार और रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर थी। सरकार ने ना इंसाफी करते हुए अपना प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में ये सौदा कर दिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और हमारी आम पब्लिक, आम जन समस्या है, उससे बेहतर रोडवेज को बेहतर सुविधा नहीं है। इसलिए इन्होंने ये प्राइवेट परमिट और बसें ठेकेदारों के हाथों में न देकर महकमे में दे दी।